बहुत दिन से मन था कि ये हेलमेट खरीदूं खरीदूं खरीदूं, तो एट लास्ट विश पूरा हो गया। और गाइस देखो, रूम मेरा गंदा होता है किसके लिए? सुबह का स्ट्रेच। सो वेलकम बैक टू द चैनल, माय नेम इज अनिकेत एंड यू आर वाचिंग थ्रॉटल बॉय। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है। बहुत दिन से मन था कि ये हेलमेट खरीदूं खरीदूं खरीदूं, तो एट लास्ट विश पूरा हो गया और आ भी गया है। सो गाइस, ये रहा एक्सोर का अपना हेलमेट, और पता होगा कि आप सबको भी इंतजार होगा इस वीडियो का, एंड मेरे को भी इंतजार था इस हेलमेट का। तो इसको फटाफट से भी खोलते हैं एंड आपको दिखाता हूँ कि कौन सा वाला मैं लाया हूँ। आप लोग को आई थिंक गेस पता ही हो गया होगा, क्योंकि उधर एक ही एक्सआर का था एंड वो दो जो हेलमेट रखा हुआ था वो अलग अलग था कंपनी का, तो आप लोग को पता ही चल गया होगा। बट फिर भी खोल देते हैं आप लोग के सामने, अभी अनबॉक्स कर देता हूँ इसको। तो फटाफट से अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद इसमें अपन इंस्टॉल कर देंगे वो जो माउंट, उसके बाद जाएंगे थोड़ा मोटो व्लॉग में, देखेंगे कैसा क्या आ रहा है वीडियो। तो फटाफट से अभी अनबॉक्स करते हैं इसको। सो गाइस, ये रहा अपना बॉक्स और अभी इसको खोलते हैं फटाफट से। तो ये रहा, इधर मेरे को तो बैग मिल जाता है एक्सोर की तरफ से, और इधर लिखा हुआ है एक्सोर हेलमेट। तो इसको अभी फटाफट से खोलते हैं। ये दिख रहा होगा, आई द लाइक कर, आई द लाइक कर। तो खुलता है फटाफट। पहन के चलाने के लिए बहुत ही क्रेव हो रहा है, पूरा एकदम अलग ही क्रेविंग हो रहा है। तो ये रहा अपना XBHP का 299 स्पीड ऑफ थॉट का लिमिटेड एडिशन। ये सर्टिफिकेशन ऑलरेडी दिया हुआ है एंड आप लोग को पता तो होगा XOR एक अच्छा खासा कंपनी है और उसका बहुत नाम है। तो बहुत ही सही क्वालिटी है, मज़ा आ गया देख के। और इसका जो कलर है ये तो बहुत ही सही लगता है मेरे को, मतलब ये तो फैंसी कलर टाइप है। सो गाइस, इस हेलमेट में हम लोग को इधर एक तो एक्सोर का लोगो मिल जाता है, और इधर बहुत ही मस्त ग्राफिक्स हुआ है इसका। और ये अपना दो ठो एयर वेंट्स मिल जाता है, इधर दो ठो और ये सामने एक ठो है। एंड इसमें अपन को एक ठो ग्लास भी मिल जाता है, ताकि आप अपना जब वाइज़र यूज़ ना करो तो आप खाली सनग्लास की तरह भी यूज़ कर सकते हो। इसका ये वाला साइड में दिया हुआ है, ऐसे करोगे पीछे लोगे तो ये आ जाएगा, और आगे दोगे तो ये उठ जाएगा। बहुत ही सही है, ये देखो पूरा मस्त है। एंड पीछे को मस्त सा स्पॉइलर भी दिया हुआ है वाइट कलर में, एंड बहुत ही सही लुक्स आ रहा है इसका। एंड मैं बहुत खुश हूँ यार, मज़ा आ गया इसको खरीद के। अपना स्टील बर्ड में क्या था ना, चीन गार्ड नहीं था, एंड इसमें चीन गार्ड दिया हुआ है, तो उसके वजह से जो विंड ब्लास्ट हो रहा था तो उसमें नहीं होगा। एंड ये बहुत ही काम में देगा अभी। एंड इधर भी अपना वो जो माइक रह जाएगा, तो और विंड ब्लास्ट होने का चांस तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी इसका बात करूँ तो मेरे को इसमें एक ही प्रॉब्लम लग रहा है, तो वो है ये वाला। इसमें लगाने में ना बहुत ही टाइम लगता है, और अगर कहीं भी अगर कुछ भी अगर बाय चांस एक्सीडेंट हो गया तो इसको खोलने में बहुत टाइम लगता है, एंड ये इजी नहीं है इसको खोलना। तो वही एक तो मेरे को मतलब इसमें एक तो खराबी है, बट और सब कुछ अच्छा लगा। तो उसमें मेरे को अच्छा लगा कि वो वाला जो क्लिप की तरह है, फटाफट से लगा दो चलो बुम बम करो। तो इसमें वैसा नहीं है, आराम से एक मिनट लगता है। भाई कल मैं देख रहा था कितना मिनट में मैं ये लगा सकता हूँ, तो हम लोगों ने टाइमर लगाया एंड मैं पूरा स्टार्ट किया पहनना, ऐसे करके पहन के लगा के देखा कि एक मिनट लगा मेरे को इसको लगाने में खाली। तो हो जाएगा, हैबिट होने से थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा उससे तो। और गाइस, इसका पैड जो है ना अंदर का बहुत ही मतलब थिक पैड है, तो जो मेरा पूरा चीक ऐसे ऐसे पूरा ऐसे हो जा रहा है, तो वो एक तो मेरे को और लग रहा है ये वाला पहनने से। बट कोई नहीं, आदत हो जाने से सब कुछ हो जाता है। और इसको तो अभी पहन के मोटो ब्लॉग करेंगे तो पता चल जाएगा साउंड कैसा क्या आ रहा है,
एंड अभी इसको लगाता हूँ मैं आपके साथ, माउंट आपके सामने लगा देता हूँ। तो फटाफट से माउंट वन लगा के चलेंगे अभी तो राइड पे, मस्त सा छोटा सा राइड पे। और गाइस देखो, रूम मेरा गंदा होता है किसके लिए, किसके वजह से मेरा रूम गंदा होता है गली देख लो। वो एक तो फ्लिपकार्ट का पैकेट लेके उसको छिंडवा रहा है, देखो और गुस्सा देख रहे हो, गुस्सा नाक में भरा हुआ है। मोटू क्या चल रहा है, अरे बदमाशी उसका खत्म होता नहीं है कभी भी। तो गाइस निकल गया हूँ घर से और अभी देखते हैं कैसे क्या परफॉर्म करता है अपना ये माइक इस हेलमेट में। होप करता हूँ कि अच्छा ही हो रहा होगा। एंड अभी एक्चुअली क्या हुआ ना, पूरा एकदम बीटी सीन हो गया था मेरे साथ। मैं इसको पहली बार खोला और पैड लगाने में मेरा फट गया भाई, पूरा फट के हाथ में आ गया, लग ही नहीं रहा था। तो बहुत मुश्किल से लगाया और इसका जो माउंट है ना, वो माउंट भी यार टूट गया है। तो मैं और एक माउंट भी ऑर्डर किया हूँ, आने के बाद लगाएंगे वो माउंट। और अभी ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड ज़्यादा करेंगे नहीं, ज़्यादा दूर तक छोटा सा वीडियो बनाएंगे क्योंकि कैमरा थोड़ा हिल रहा है एंड कभी भी मे भी गिर जा सकता है, तो मैं रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ ज़्यादा। अभी खाली थोड़ा टेस्ट करने के लिए कि वॉइस कैसे क्या आ रहा है, तो इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस कमेंट में ज़रूर बता देना कि कैसे क्या वॉइस आ रहा है, अभी तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे क्या आ रहा है, घर जाने के बाद पता चलेगा मेरे को। देखते हैं, होप करता हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक हो, क्योंकि इतना एफर्ट देने के बाद अगर ख़राब होगा तो और मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, होपलेस। सीधा चलते हैं, देखते हैं कि वॉइस आता है या नहीं। स्पीड में, यो वाओ, सुबह सुबह का स्ट्रेच, मजा आ गया। ओह वाओ। और गाइस आज ना मतलब रिएक्शन सटीक आने वाला है हेलमेट की वजह से। Nice guys. Boom boom. इतने ज़्यादा चलाने से पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा, कभी भी गिर सकता है। ओहो, ऐसे कहते देखो भाई साहब रॉन्ग रोड में आ रहे हैं, कैसे इन लोग के वजह से ही एक्सीडेंट होता है ज्यादातर। ये हेलमेट मेरे को पसंद है, बस का जो बांधने का सिस्टम है मेरे को एकदम पसंद नहीं आ रहा है, एकदम थोड़ा टाइम लग रहा है। बट आज मैं जल्दी जल्दी लगा लिया, कल लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, आज पूरा एकदम फटाफट लगा दिया, कोई नहीं चलेगा। तो आ गए सभी चोरा चक, और ये रहा अपना ट्रक एज यूजुअल, भीड़ इधर हमेशा रहता है। एंड लेफ्ट साइड अपना है श्रीनी हॉस्पिटल, एंड इधर हमेशा ही भीड़ रहता है हमेशा, क्योंकि ये कोविड केयर है, इधर कोविड पेशेंट सब आते हैं। थोड़ा यार मेरा मन उदास है, मतलब एक एक चीज़ों के लिए, क्योंकि इस पर मैं परमानेंट माउंट लगा नहीं सकता हूँ। और वैसे अभी कुछ दिन ब्लॉगिंग बंद हो जाएगा क्योंकि इसका माउंट मेरे पास है नहीं, जो माउंट मैं मंगाया हूँ उसको आने में कितना 3-4 दिन लग सकता है, 2-3 दिन लग सकता है मे भी। तो देखते हैं कब आता है माउंट, उसके बाद ही जाके होगा, उससे पहले तो हो ही नहीं पाएगा। तो गाइस वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं जाके देखा उधर, तो मतलब ठीक ठाक ही आ रहा है, पहले से तो बहुत ही अच्छा आ रहा है। एक्चुअली क्या है ना, उसका जो मतलब माउंटिंग है तो उसको मेरे को करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो मैं अलग माउंट एक ठो मंगाया हूँ, एंड वो वाला माउंट भी टूट गया है एक ठो साइड से, मतलब उसका जो क्लिप होता है ना तो वो टूट गया है एक्चुअली एक साइड का। मेरे को लग रहा है कि इसको परमानेंट वाला माउंट करवाना ही पड़ेगा, बट मन तो नहीं है क्योंकि नया हेलमेट है, दिखने में थोड़ा सा ख़राब लगेगा एंड वो जगह पूरा एकदम बर्बाद हो जाएगा जहाँ पर मैं परमानेंट माउंट करवाऊँगा।
तो देखते हैं क्या करते हैं, तो सेटिंग करते हैं इसका कैसे क्या करके, तो उसका पता आपको नेक्स्ट व्लॉग में चल जाएगा। अगर इस व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आप मेरा वीडियो देख पाओ जब भी अपलोड हो, आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन पटाक करके चला जाएगा। कमेंट में ज़रूर बताना मेरा हेलमेट आपको कैसे लगा। तो गाइस इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। साइन ऑफ फॉर द बॉय, बाय बाय।